नमस्कार, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो गाइस, आज रिजल्ट आ चुका है यार, बीए बीएससी का रिजल्ट आ चुका है जो फर्स्ट ईयर का था उनका, और बीकॉम का तो पहले ही आ गया था फर्स्ट ईयर का। तो हुआ क्या पता है, अभी वेबसाइट में कुछ बहुत सारे लोग का रिजल्ट देख रहे हैं तो दिख नहीं रहा है, तो उसमें हो सकता है अभी अपडेट चल ही रहा है। और अगर वीडियो इसके बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है आपको इस अपडेट हो चुका होगा। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं। और देखिए, अब रिजल्ट वगैरह तो आ गया है और सत्यग्रह गुरु विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है, आप देख ही सकते हैं। और इसमें होगा क्या पता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं ना जिनको रिजल्ट देखने में प्रॉब्लम हो रहा है और बार बार ब्राउज़र में जा रहे हैं और एक क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए यार, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है इसीलिए हो रहा है, और नहीं तो आप लोग एक के बार में रिजल्ट को देख सकते थे। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और क्योंकि अभी अपडेट हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा समस्या देखने को मिलता है। और बहुत लोग क्या करते हैं पता है, थोड़ा सा अलग सोचने लग जाते हैं कुछ नया चीज़। तो चलिए देखिए आपका रिजल्ट कैसा आया है, और बताइए कि आप पास हुए कि फेल हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए यार, रिजल्ट देखने के लिए टैब दिया गया है, ठीक है। यहाँ टैब मिलेगा आपको, यहाँ रिजल्ट का दिखाई दे रहा होगा जहाँ सर्कल किया हूँ मैं, और ये बाकी सब तो जानते होंगे। अभी आपको तो सिर्फ अभी रिजल्ट ही देखना है ना, एडमिशन लेना है। तो चलिए मैं रिजल्ट वाला टैब में यहाँ का टच कर देते हैं। अब देख लीजिए रिजल्ट का ये जो है विंडो ओपन हो चुका है। तो देखिए बहुत सारे क्लास का रिजल्ट आ चुका है, इसमें से आपको दिखाई देगा बीए पार्ट वन का, बीएससी पार्ट वन बायो का, बीएससी पार्ट वन मैथ का, इसी तरह बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है, एमकॉम फाइनल का रिजल्ट आ चुका है, एमकॉम प्रीवियस का रिजल्ट आ चुका है, बीए सेकेंड का, बीएमएस बीएससी सेकेंड का, एमए फाइनल इंग्लिश का रिजल्ट आ चुका है। इसी तरह और भी क्लास का हुए है, मतलब सभी क्लासेस का रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें क्या है बड़ी बात, बड़ी बात यह है कि दोस्तों बहुत लोग जो है ना फेल हो चुके हैं, तो जो फेल हो चुके हैं उन लोग बहुत कंसर्न है यार अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो उनको घबराने की बात नहीं है। और देखिए गाइस, अगर आप फेल हो चुके हो ना या फिर सप्लीमेंट्री आ चुके हैं, तो इसको आप आसानी से रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। रीवैल्यूएशन का रीवैल का फॉर्म भर देंगे, अगर आपने बनाए होंगे तो नंबर बढ़ सकता है, अगर नहीं बनाया है तो घट सकता है। हो सकता है आपको कुछ अच्छे मार्क्स मिल जाए तो रिवल ज़रूर लगाइएगा, और रिवल के रिजल्ट आने के बाद आपका सप्लीमेंट्री फॉर्म भराएगा। तो अगर मान लो कोई दो सब्जेक्ट में फेल हुआ है और दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में भी पास हो जाता है तो सप्लीमेंट्री आ सकता है, ठीक है। और पिछले साल क्या हुआ था, दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री यूनिवर्सिटी दे रहा था, इस बार दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री नहीं दे रहा है यूनिवर्सिटी। तो जान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने इस बार नियम थोड़ा टाइट कर दिया है और बात नहीं मान रहा है किसी और का, ठीक है। तो आप लोग भूल जाओ यार कि दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री अब मिलने वाला है, एक साल के लिए दिया गया था, ठीक है। और हम तो नहीं बोल सकते क्यों दिया गया था, लेकिन जान सकते हैं उसमें चुनाव का माहौल था तो बोल दिया गया था। और अभी तो होने भी आ रहा है इलेक्शन, तो इलेक्शन ख़त्म, आपका भी काम ख़त्म, ठीक है। अब दो विषय में सप्लीमेंट्री मिलेगा नहीं, अब मिलेगा सिर्फ एक विषय में जो पहले था, एज इट इज़ चल रहेगा, ठीक है। तो भूल जाओ आप लोग। हाँ, एमए वगैरह वाले क्या है ना, एक विषय में फेल होते हैं तो पूरा फेल ही हो जाते हैं, ठीक है। उन लोगों को सप्लीमेंट्री का चांस तो मिलता नहीं है क्योंकि वो पीजी कोर्सेस वाले होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ई चेकिंग का जरूर फॉर्म डालना है, ओके। और जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, तो एडमिशन ज़रूर लें और अपने कॉलेजेस में संपर्क करें, अपने यूनिवर्सिटी में संपर्क करें और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट विजिट करें, ठीक है। यहाँ मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, आपको दिखाई देगा, ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का है, और यहाँ के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आसानी से। जो एडमिशन विंडो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पास। तो एडमिशन विंडो में आपको क्या करना है, जो यूजी का है ना, यूजी जिन लोगों को फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो उन लोग जो पहला कॉलम आया है ना ये वाला, तो यहाँ से करेंगे। और उसके नीचे जो है पीजी वाले लोग के लिए है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो, और ऐसे स्टूडेंट जो क्या है सेकेंडरी पढ़ाई करना चाहते हैं, फाइनल ईयर करना चाहते हैं, तो अपने कॉलेजेस में संपर्क करें या फिर अपने कॉलेज के वेबसाइट पर देखें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं, कॉलेजेस की वेबसाइट देखें, ठीक है। वहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और कॉन्टैक्ट में रहें,
और क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे भी बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं और घर वगैरह में रहते हैं, अभी कॉलेज में संपर्क नहीं किए हैं, तो उनके लिए बस यही जरूरी बात है यार कि वो संपर्क करें और अपना एडमिशन प्रोसेस या फिर जो प्रॉस्पेक्ट वगैरह मिलता है वहाँ से, ठीक है, उसको लें और पढ़ें और एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लें। इस बार एडमिशन बहुत जल्दी होने वाला है, बस मैं यही बात बताना चाहता था आपको, और इसमें आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है क्योंकि इस बार जो होने वाला है सभी कोर्सेज को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, और सेमेस्टर कर दिया गया है तो दोस्तों जान सकते हैं यार आप लोग को सेमेस्टर से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और सेमेस्टर्स के एडमिशन अगर लिए हैं आप लोग को तो आप लोग को डेली क्लासेस तो जाना पड़ेगा और क्लास अटेंड करना पड़ेगा, तभी यार आपका मार्क्स वगैरह चढ़ेगा। तो ठीक है, ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ फायदा का चीज़ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।